Hello, good morning to everyone. Good morning to everyone. Welcome to Make My Exam, an official YouTube channel of IBT. तो दोस्तों आज फिर से आपका स्वागत है. दिन बृहस्पतिवार 15 फरवरी को करंट अफेयर्स द वेकअप शो के माध्यम से हम आपको रोज डेली करंट अफेयर्स का डोज देते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर्स को आसान शब्दों में समझा जाता है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही बहुत फायदा करने वाला है. तो फिर से सभी को गुड मॉर्निंग. तो देखते हैं हमारे साथ कितने फ्रेंड्स जुड़े हैं और हम अपने हेडलाइंस का कारवा, जो हमारा एक स्टाइल है करंट अफेयर्स द वेकअप शो का, कि पहले हम अपनी मुख्य खबरों को बताएंगे, हेडलाइन सुर्खियों को बताएंगे और उन्हीं हेडलाइंस को हम विस्तार से जानेंगे और उसके बाद सेशन के एंड में क्विज के साथ इसकी समाप्ति करेंगे. तो देखिए बहुत सारे न्यूज हैं, बहुत सारी खबरें आज हमारे पास, उन्हीं खबरों को हम डिटेल में जानेंगे. लेकिन सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश कर दें कपिल देव, जॉनी, मोहम्मद, हरकिरण, जयप्रकाश, मोहम्मद, सरिता, भगत, मनी, एसपी मोहराना, राज, जुगराज, संधू. तो सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए मैं फटाफट हेडलाइंस की तरफ बढ़ता हूं और हेडलाइंस को पढ़ देता हूं आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो देखिए फर्स्ट हेडलाइन जो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, फोर्थ मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो रिसेंटली फोर्थ मतलब मीटिंग हुई है, चौथी मीटिंग हुई है किसकी, EACPM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, उसकी मीटिंग हुई है. उसमें क्या फैसला किया गया, कौन कौन सी बातें की गई और ये EACPM होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से जरूर जानेंगे. दूसरी हेडलाइन, वेस्ट बंगाल बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ मोदी केयर. तो मतलब पश्चिम बंगाल पहला राज्य बना है जो मोदी केयर उन्होंने एक एब्रीविएटेड फॉर्म दिया है, किस स्कीम को, आयुष्मान भारत स्कीम को. तो आयुष्मान हेल्थ स्कीम जो है, आयुष्मान स्वास्थ्य स्कीम जो है, आयुष्मान भारत स्कीम जो है, जो एक हेल्थ स्कीम, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, उससे निकलने वाला, मतलब उसको ऑप्ट नहीं करने वाला पहला राज्य बना है पश्चिम बंगाल. तो उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसके भी कारण जानेंगे विस्तार से. तो देखिए पहली दो खबर, पहली खबर फोर्थ EACPM मतलब चौथी मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, उसमें क्या फैसला किया गया वो जानेंगे. सेकेंड चीज कि पश्चिम बंगाल पहला राज्य बना है जो नेशनल हेल्थ स्कीम दैट इज आयुष्मान भारत, जिसको मोदी केयर एब्रीविएटेड फॉर्म में बताया गया है, उससे निकलने वाला पहला राज्य बना है. देन मेघालय गवर्नर इनागुरेट्स इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट. तो मेघालय के गवर्नर गंगा प्रसाद जी ने बिल्कुल वाघा बॉर्डर की तरह अमृतसर पंजाब के अंदर रिट्रीट सेरेमनी होती है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, झंडा उतारने की रस्म की जाती है दोनों देशों के द्वारा, जो टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता है और दोनों देशों की तरफ से हजारों लोग जो है हर रोज उस सेरेमनी को अटेंड करते हैं. तो ठीक उसी काइंड का इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर मेघालय के अंदर एक फ्रेंडशिप गेट बनाया जाएगा, हम उसकी बात भी जानेंगे. देन इंडिया टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक्स. ओलंपिक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, ये थिएटर ओलंपिक्स क्या है उसके बारे में भी जानेंगे. और थिएटर ओलंपिक्स, तो जैसे ओलंपिक्स की शुरुआत जो ग्रीस से मानी जाती है, यूनान ग्रीस से मानी जाती है, उसी तरह से थिएटर ओलंपिक की शुरुआत भी कहां से हुई है, तो ग्रीस से हुई है, तो उसके बारे में भी जानेंगे. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इसको हम विस्तार से जानेंगे. नेक्स्ट हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं और उन हेडलाइंस को पहले जान ले कि वो हेडलाइंस क्या है, फिर हम अपने खबरों का सिलसिला जो है उसे शुरू करेंगे. तो प्रेसिडेंट होस्ट एलपीजी पंचायत एट राष्ट्रपति भवन. तो एक एलपीजी पंचायत बुलाई गई, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है और एलपीजी पंचायत क्या है, और ये न्यू दिल्ली में हुआ, प्रेसिडेंट भवन राष्ट्रपति भवन में इसको बुलाया गया और वहां पर किस तरह की चर्चा हुई हम उसको भी जानेंगे. देन एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, एनटीपीसी हमारे इंडिया का बिजली जो आपूर्ति देता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है, उन्होंने बांग्लादेश के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है और बांग्लादेश को 300 मेगावाट बिजली देने का एक अग्रीमेंट, एक समझौता जो है उन्होंने साइन किया. देन इंडिया चाइनीज आर्मीज, मतलब इंडियन और चाइनीज आर्मीज ने सेलिब्रेट किया चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल इन लद्दाख. तो चुशूल सेक्टर है लद्दाख के अंदर, आर्मी का सेक्टर है, वहां पे चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया दोनों आर्मीज ने मिलकर, तो उसके बारे में भी जानेंगे. और लास्ट खबर जो है, अशोक दास जी जो सीनियर आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में विदेश मंत्रालय के अंदर, उनको नया अंबेसडर मतलब दूत बनाया गया है, किसका, तो
ब्राजील का, मतलब भारत की तरफ से वो ब्राजील के दूत बनाए गए हैं। तो ये एक नई अपॉइंटमेंट है जिसके बारे में हम जरूर जानेंगे। तो देखिए, ये हेडलाइंस थी, ये कुछ सुर्खियां थी, अब इसको जानते हैं थोड़ा विस्तार से और देखते हैं हमारे कौन कौन से व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं और वो क्या व्यूज दे रहे हैं, वो क्या कमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी जानने के बाद हम इन्हीं खबरों को अब विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे फ्रेंड्स और नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ मीटिंग ऑफ EACPM। लेकिन उससे पहले सभी को गुड मॉर्निंग जो है वो विश कर दें हम। तो देखिए, ऐसा है कि हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से जो है ऑल ओके का मैसेज आ रहा है, ऑल इज सेट। आप एक बार अपना यूट्यूब जो है वो रिफ्रेश कर लीजिए और साउंड और वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ओके है हमारी टीम की तरफ से। आप एक बार ही अपने यूट्यूब को रिफ्रेश कर लीजिए, हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से सब कुछ ओके है। और मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं है, मेरा साउंड आपको पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो हम पहले न्यूज से इसकी शुरुआत करते हैं और मैं सबको अगेन मैं गुड मॉर्निंग विश करता हूं और सबको सुबह की नमस्कार करता हूं। और बिल्कुल, तो मुझे एक रिस्पांस मिल रहा है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि सर सब कुछ ओके है। तो मैं पहली न्यूज से बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के मैं पहली न्यूज की तरफ चलता हूं। फोर्थ मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, चौथी मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल September 2017, ध्यान से सुनिएगा, फोकस होकर सुनिएगा। गुड मॉर्निंग विश हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब हम न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं, खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो September 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, मतलब उनको सलाह देने के लिए आर्थिक मुद्दों के ऊपर एक परिषद का गठन किया था, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया था। क्यों? तो उसका कारण, एक छोटा सा कारण था कि अगर हम देखते हैं कि राइवलरी बिटवीन यूपीए एंड एनडीए, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, और अगर हम स्वस्थ प्रति मतलब देखते हैं कि प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रही है बिटवीन द टू पार्टीज, तो यहां पर एक पॉजिटिव मुद्दे के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी जी घिर रहे थे तो वो पॉजिटिव मुद्दा था द कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड प्राइम मिनिस्टर। तो इकोनॉमिक्स के मुद्दे पर उनको घेरा जा रहा था कि आर्थिक मोर्चे के ऊपर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विफल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सक्सेस हासिल नहीं कर रहे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो यहां पर उसी चीज के लिए मतलब नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्ड खेला और वो कार्ड है इकोनॉमिक एडवाइजरी टू पीएम, मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम। उन्होंने एक परिषद, एक काउंसिल का गठन किया जिसके अंदर टॉप के इकोनॉमिस्ट है हमारे इंडिया के, और विवेक देबरॉय जो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट है, नीति आयोग के मेंबर भी है, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, तो वो है विवेक देबरॉय जो मेंबर ऑफ नीति आयोग है। तो यहां पर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को जोड़कर 10 थीम्स बनाया गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, और उन 10 थीम्स में इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, हेल्थ, इन सभी सेक्टर्स के ऊपर बात करने के लिए सलाह जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल किसको देगा, टू प्राइम मिनिस्टर। और ये चौथी मीटिंग है, पहली मीटिंग अक्टूबर 2017 को हुई थी और ये चौथी मीटिंग बहुत रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, जहां पर आयुष्मान भारत के ऊपर चर्चा की गई। नेशनल हेल्थ स्कीम, मतलब अभी जो रिसेंटली 2018-19 का जो यूनियन बजट पेश किया अरुण जेटली जी ने, जिसके अंदर उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया, नेशनल हेल्थ स्कीम को लॉन्च किया, जिसको मोदी केयर भी बोला गया, उस चीज को लॉन्च करने के ऊपर कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा, उसको आगे हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे देश के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए इस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग को बुलाया गया। और भी चर्चाएं हुई इसके अंदर, वो इकोनॉमिक्स के मुद्दे के ऊपर भी हुई, जीडीपी के ऊपर भी हुई, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हुई, और भी सोशल इश्यूज के ऊपर इस मीटिंग को अटेंड किया गया। तो आपको यहां से याद क्या रखना है, EACPM के चेयरमैन कौन है, विवेक देबरॉय, और इनकी चौथी मीटिंग कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में, और इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा क्या रहा, नेशनल हेल्थ स्कीम, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम। तो मैं इस चीज को आपके लिए पढ़ देता हूं, द फोर्थ मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विवेक देबरॉय, चेयरमैन ऑफ EACPM एंड मेंबर ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के। ये बहुत ही एमिनेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, क्या नाम है इनका, विवेक देबरॉय। नेक्स्ट मूव करते हैं और इसी खबर को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि ड्यूरिंग द मीटिंग EACPM डिस्कस द पॉसिबल मॉडलिटीज ऑफ इंप्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ स्कीम
अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन यूनियन बजट 2018-19। तो जैसा मैंने बताया कि जिस नेशनल हेल्थ स्कीम को अनाउंस किया था यूनियन बजट के अंदर, उसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करके पूरे देश के लोगों को लाभ पहुंचाना है, इसके ऊपर बात हुई है। बिसाइड्स प्रेजेंटेशंस वर आल्सो मेड ऑन हेल्थ रिफॉर्म्स, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर किस तरह से सुधार लाए जा सकते हैं उसके ऊपर बात हुई है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक ने जो प्रेडिक्शंस करी है हमारे जीडीपी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर भी चर्चा की गई इस ईएसीपीएम के मीटिंग में। एंड ऑन इंडियन फिस्कल मॉनिटरी फ्रेमवर्क, और हमारे वित्तीय और फिस्कल मामलों की चर्चा भी, और उस फ्रेमवर्क की और स्ट्रक्चर की भी चर्चा यहां पर की गई। तो हम जानते थोड़ा सा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में कि ये स्कीम क्या है। ऑलरेडी मैंने बजट वाले सेशन में इसको डिस्कस किया था, लेकिन फिर से आपके लिए मैं ये डिस्कस कर देता हूं कि आयुष्मान भारत स्कीम और नेशनल हेल्थ स्कीम क्या है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जिसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को हम आयुष्मान भारत स्कीम भी बोलते हैं, और इसका एक एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म है, मोदी केयर भी है। विल कवर 10 करोड़ पुअर फैमिली। तो ये कितने पुअर फैमिली और वल्नरेबल फैमिलीज को कवर करेगा? इंडेंजर्ड फैमिली, वल्नरेबल का मतलब होता है इंडेंजर्ड, जो खतरे में हो, पुअर फैमिलीज को वो कवर करेगा। तो 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है। अंडर एट अप टू ₹5 लाख, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना जो हुआ करता था उसके अंदर मैक्सिमम 30,000 की हेल्प मिलती थी, उससे इंक्रीज करते हुए अप टू रुपीज मैक्सिमम 5 लाख तक की इंश्योरेंस की मदद दी जा सकती है। कवर विल बी प्रोवाइडेड टू ईच फैमिली पर ईयर इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर, तो तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइम सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, दैट इज सेवा क्षेत्र, केयर इंस्टीट्यूशंस। इट विल हैव 50 करोड़ बेनिफिशियरीज। तो 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हो सकते हैं अगर परिवारों को जोड़ दिया जाए, और परिवारों को जोड़ने के बाद इसकी संख्या 50 करोड़ तक बढ़ सकती है। इट विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और ये दुनिया का एक तरह का मतलब सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड, सरकारी फंडेड एक इंश्योरेंस योजना कह सकते हैं या हेल्थ केयर प्रोग्राम कह सकते हैं। तो यहां पर मुख्य बात जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर हुई। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में मैंने आपको एक न्यूज दे दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आयुष्मान भारत स्कीम को लेकर, रिसेंटली आयुष्मान भारत स्कीम के डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, और उनके डायरेक्टर का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं आपको सही या गलत बताऊंगा कि आप सही हैं या गलत हैं, और उसके बाद मैं उनके नाम को अनाउंस कर दूंगा सभी ऑडियंस के लिए। रिसेंटली मतलब अभी कल या परसों जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, किन की? आयुष्मान भारत स्कीम के डायरेक्टर की, उनके निदेशक की अपॉइंटमेंट हुई है। तो हम पहले न्यूज को समाप्त कर चुके हैं, हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसको जस्ट मैं बता चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है। तो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन परमानेंट बॉडी है, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए ऑन इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज। सितंबर 2017 में इसका गठन किया गया था प्रधानमंत्री को आर्थिक मोर्चे के ऊपर सलाह देने के लिए, जिनके ऊपर वो सबसे ज्यादा घिर रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर को कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत स्कीम से निकलना बेहतर समझा। मतलब उन्होंने उसकी क्या दलील दी है कि वो क्यों निकल रहे हैं यहां से, हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो दीदी ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल बिकम्स फर्स्ट स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कि वेस्ट बंगाल बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ मोदी केयर। मोदी केयर का मतलब यहां पर है आयुष्मान भारत स्कीम। तो ऑन 13 February 2018 वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी announced that West Bengal has opted out of National Health Protection Scheme, also known as ModiCare. तो पश्चिम बंगाल National Health Protection Scheme, आयुष्मान भारत स्कीम से निकलने वाला पहला राज्य बना है। मतलब वो उसको opt नहीं करेगा, वो उसको नहीं मानेगा, और वो अपने राज्य की जो योजना है वो उसको ही चलाएगा। इस चीज की घोषणा करी, और ममता बनर्जी का कहना है कि National Health Protection Scheme, that is आयुष्मान भारत स्कीम, या हम कह सकते हैं मोदी केयर स्कीम, उनके रिसोर्सेज के ऊपर, उनके स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर मतलब एक वेस्टेज होता, एक एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पर होता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर एक स्कीम चल रही है और स्टेट रिसोर्सेज जो है वो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से वो इस स्कीम को ऑप्ट आउट जो है वो ऑप्ट नहीं करेंगे और उससे बाहर निकलना बेहतर समझेंगे।
इसी न्यूज को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, फिर व्यूअर्स के व्यूज भी लेंगे कि उन्होंने क्या आंसर दिया है, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं इसी खबर को थोड़ा और विस्तार से। देखिए, द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आल्सो नोन एज मोदी केयर और आयुष्मान भारत स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2018-19। द NHPS वुड कवर 10 करोड़ पुअर फैमिलीज। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर एनम। इट इज टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो हमने अभी लास्ट EACPM के अंदर भी इसी चीज को पढ़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं कि वो क्यों निकलना चाहते हैं बाहर और ऐसा क्या कारण रहा कि वो इस हेल्थ स्कीम से निकलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं, ममता बनर्जी सेड दैट द NHPS मतलब नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इज सिमिलर टू वेस्ट बंगाल्स एग्जिस्टिंग स्वास्थ्य साथी स्कीम। तो वेस्ट बंगाल में एक ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी स्कीम। द स्वास्थ्य साथी स्कीम हैज ऑलरेडी कवर्ड 45 लाख फैमिलीज अमाउंटिंग टू 2.5 करोड़ पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। शी सेड दैट नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू NHPS वुड बी अ वेस्टेज ऑफ वेस्ट बंगाल्स रिसोर्सेज एंड वेस्ट बंगाल ऑप्ट आउट ऑफ NHPS। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम ऑप्ट करते हैं किस चीज को NHPS को, तो ये वेस्ट बंगाल के रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी क्योंकि ऑलरेडी हम स्वास्थ्य साथी स्कीम को चला रहे हैं। इसी वजह से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने NHPS को ऑप्ट करने से मना कर दिया और बाहर निकलना जो है वो बेहतर समझा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहली दो खबरें जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से वो आपको जरूर समझ में आई होगी। और मैंने पूछा आपसे कि आयुष्मान भारत स्कीम के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो बिल्कुल इनका राइट आंसर जो है अभी दो न्यूज ही निकले हैं, तो राइट आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग, मनोज जलानी इसका राइट आंसर दे रहे हैं आप इस चीज को कंफर्म करिए। देखिए न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज का ये न्यूज बना है आज का, मनोज जलानी आप कहां चले गए आप लोग। लेकिन द राइट आंसर फॉर आयुष्मान भारत स्कीम के जो डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं, दिनेश अरोड़ा, सीनियर IAS ऑफिसर। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, सीनियर IAS ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मतलब ऑफिसर जो है सीनियर डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, जो नीति आयोग के भी डायरेक्टर हैं, जो नीति आयोग के भी डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनको ही नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो आपको राइट आंसर ये चुनना है कि आयुष्मान भारत स्कीम के डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो दिनेश अरोड़ा, जो ऑलरेडी डायरेक्टर है किसके, नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के डायरेक्टर कौन है, दिनेश अरोड़ा। तो सेम उन्हीं दिनेश अरोड़ा जी को निदेशक बनाया गया है, किनका, तो आयुष्मान भारत स्कीम का। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, मेघालय गवर्नर इनॉगरेट्स इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट। तो अगर आप लोग कभी अमृतसर, पंजाब अमृतसर, इंडिया का बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव प्लेस वाघा बॉर्डर, वहां पर वाघा बॉर्डर, अटारी वाघा बॉर्डर है जहां पर इंडिया पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, BSF के जो जवान हैं हमारे, वो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी करते हैं। उसके अलावा हमारे पंजाब के अंदर ही एक और प्लेस है हुसैनी वाला, फिरोजपुर के अंदर, वहां पर भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की जाती है जहां पर टूरिस्ट जो है वो उसे देखने के लिए जाते हैं। तो उसी काइंड से, सिमिलर उसी काइंड का मेघालय गवर्नर गंगा प्रसाद जी ने एक उद्घाटन किया है बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप गेट का इन मेघालय। तो देखते हैं, इस न्यूज को पढ़ते हैं, मेघालय गवर्नर गंगा प्रसाद इनॉगरेटेड द फ्रेंडशिप गेट फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। तो उनके बॉर्डर गार्ड्स के लिए एक फ्रेंडशिप गेट का उद्घाटन किया गया जहां पर झंडा उतारने की रस्म जो है वो हर दिन की जाएगी। तो नेक्स्ट इसी न्यूज को पढ़ते हैं डिटेल में कि ये न्यूज क्या है, उसके बाद मैं व्यूअर्स के व्यूज जानूंगा। दिस फ्रेंडशिप गेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद एन एम टू हैव अ वाघा लाइक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फॉर इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश। तो आप खुद देखिए कि यहां पर सेम उसी वाघा बॉर्डर की नीति के तहत बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को किया जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट का मतलब होता है हर शाम को बॉर्डर के ऊपर झंडा उतारने की रस्म की जाती है जो आम दर्शकों के लिए भी ओपन रहता है, वो देख सकते हैं उन्हें। तो उसी काइंड का मेघालय के अंदर फ्रेंडशिप गेट नाम से खोला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एट वाघा बॉर्डर अमृतसर पंजाब ऑन इंडियन साइड इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड पाकिस्तान रेंजर्स ज्वाइंटली कंडक्ट बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। लोअरिंग ऑफ फ्लैग्स ऑन बेसिस इज इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर, मतलब बहुत ही अच्छे सिंक्रोनाइज तरीके से, मतलब तालमेल के साथ उनका परेड जो है वो देखने लायक होता है। दिस वेन्यू हैज बिकम अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हर रोज हजारों संख्या में जो है वहां पे दर्शक जो है
टूरिस्ट जो है वो, पर्यटक जो है वो देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ठीक इसी काइंड से मेघालय में भी डेवलप किया जाएगा फ्रेंडशिप गेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो फ्रेंडशिप गेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नियर एन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 90 किलोमीटर साउथ ऑफ मेघालय कैपिटल शिलोंग ऑन बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। और मेघालय के बारे में कुछ जानकारियां जो है, कुछ क्विक फैक्ट्स जो है उसे जान लेते हैं। मेघालय की कैपिटल तो हमने कर ली है शिलोंग, देखते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं और जानते हैं मेघालय की कुछ जानकारी जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। क्विक फैक्ट्स अबाउट मेघालय, तो देखिए मेघालय की कैपिटल शिलोंग, मेघालय के करंट गवर्नर राज्यपाल कौन है गंगा प्रसाद, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है मुकुल संगमा। और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो रिसेंटली 21 जनवरी को आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर बाल पकड़म नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया। मतलब आईबीपीएस क्लर्क मेन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि बाल पकड़म नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो मेघालय। तो बाल पकड़म नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नोकरेक नेशनल पार्क जो मेघालय के अंदर ही स्थित है तो वो भी बहुत जरूरी है। तो चीफ मिनिस्टर मुकुल संगमा, करंट गवर्नर गंगा प्रसाद, कैपिटल शिलोंग और मेघालय, मेघ प्लस आलय, इन दो शब्दों से बना है मेघालय, मतलब बादलों का घर जो हम बचपन से अपने एकेडमिक्स में पढ़ते आए हैं। मासिनराम और चेरापूंजी ये दो ऐसी जगह मेघालय के अंदर जहां पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूज जरूर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं और तब तक व्यूअर्स के व्यूज भी जान लेते हैं। बिल्कुल, तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए इंडिया टू होस्ट 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक्स। तो थिएटर ओलंपिक्स क्या है, जैसा मैंने बताया आपको हेडलाइंस में कि ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस से मानी जाती है, तो थिएटर ओलंपिक की शुरुआत भी डेल्फी नाम के शहर, DELPHI, डेल्फी नाम के शहर ग्रीस से स्टार्ट किया गया था। एक थिएटर डायरेक्टर थियोडोरस नाम था उनका, और थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है। 1993 में एक थिएटर डायरेक्टर थियोडोरस जो है उन्होंने एक थिएटर ओलंपिक की शुरुआत करी कि किस तरह से कला, आर्ट, कल्चर इसको प्रमोट किया जाए, थिएटर को प्रमोट किया जाए, रंगमंच को प्रमोट किया जाए। और ये थिएटर ओलंपिक्स जो है वो कुछ, मतलब ऐसा कोई सेट पीरियड नहीं है कि इतने दिनों के बाद या इतने सालों के बाद उसको किया जाएगा, लेकिन 1995 से ये स्टार्ट हुआ है। और 2018 का थिएटर ओलंपिक्स जो है वो कहां पर मनाया जाएगा, वो दिल्ली में मनाया जाएगा, न्यू दिल्ली में मनाया जाएगा। तो ऑन 17 February to 8 April, तो 17 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच में द 8th एडिशन, 8वां एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया में ये पहली बार होने जा रहा है ग्रीस के द्वारा स्थापित थिएटर ओलंपिक्स, जहां पर रंगमंच को एक प्रमोशन दिया जाता है, रंगमंच को और कलाकारों को, कला को, आर्ट को, फोक डांसेस को, डांस फॉर्म को, इस तरह की चीजों को जो थिएटर से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक थिएटर ओलंपिक किया जाता है, जो इस साल का कहां पर होगा, न्यू दिल्ली इंडिया में होगा। इसी चीज को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि यहां से कौन कौन सी खबरें जो है वो क्वेश्चन के तौर पर अगले कंपिटेटिव एग्जाम्स में बन सकती हैं। तो 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक्स विल बी इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एट द रेड फोर्ट दिल्ली ऑन 17 February 2018। इट विल एंड इन मुंबई ऑन 8 April 2018। तो न्यू दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी और फिल्मों का गढ़, बॉलीवुड का गढ़, मुंबई में इसकी समाप्ति होगी। नियरली 25,000 आर्टिस्ट फ्रॉम 30 कंट्रीज विल टेक पार्ट इन द थिएटर ओलंपिक्स। तो 25,000 से ज्यादा कलाकार और 30 देश के कलाकार जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। द इवेंट विल फीचर 450 शोज, 600 एम्बियंट परफॉर्मेंसेज एंड 250 यूथ फोरम शोज। आउट ऑफ दैट 65 शोज विल बी डन बाय इंटरनेशनल आर्टिस्ट। तो इतना बड़ा ये शो होगा जहां पर 30 देश के प्रतिभागी जो हैं, कलाकार जो हैं, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, नेक्स्ट इसी को पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसका थीम क्या है, और थीम जो है वो बहुत जरूरी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि थीम को मैंने येलो से बिल्कुल बोल्ड कर दिया है, जिसको आपने करना है। तो कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा, तो हमारे टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर जो है डॉक्टर महेश शर्मा सेड दैट द 65 फॉरेन शोज विल बी कंडक्टेड इन 17 सिटीज ऑफ इंडिया। तो न्यू दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी, मुंबई में इसका समापन होगा और उसके अलावा 17 शहरों के अंदर इस प्रोग्राम को प्रदर्शित किया जाएगा। इंडिया विल डिस्प्ले, तो इंडिया यहां पे क्या डिस्प्ले करेगा, इट्स थिएटर फॉर्म्स लाइक स्वांग, रासलीला, नौटंकी, भांड पाथर, जतरा एटसेट्रा। तो ये हमारे कुछ फोक डांसेस, डांस फॉर्म्स हैं हमारे इंडिया के, आप इनके नाम पढ़ के कमेंट बॉक्स में, जैसे स्वांग किस प्रदेश की कला है लिखिए, रासलीला
किस प्रदेश की कला है वो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। तो दीज डांस फॉर्म्स बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। अंडर द थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इंडिया अपने इन डांस फॉर्म्स को, स्टेट के डांस फॉर्म्स को इस थिएटर ओलंपिक्स के अंदर प्रदर्शित करेगा अंडर द योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डायरेक्टर वमन केंद्रे जो है उन्होंने कहा है कि इसका थीम क्या रहेगा, तो थीम ऑफ थिएटर ओलंपिक्स फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। तो फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती का झंडा जो है इसका एक थीम रखा गया, फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप, इसको आपने नोट डाउन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह खबर जरूर समझ में आई होगी। अगर कुछ क्वायरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली खबर क्या है। तो प्रेसिडेंट होस्ट, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्होंने होस्ट किया क्या, एलपीजी पंचायत एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में एलपीजी पंचायत बुलाई गई, किसके अंदर, तो अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर। किन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है, तो वो आंसर देने के बाद ये वाला आंसर भी दे दीजिएगा कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है। तो February 14, 2018 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद होस्टेड एन एलपीजी पंचायत एट राष्ट्रपति भवन। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या कहता है कि बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली फैमिली की हर एक लेडी को एक एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस यूनियन बजट के अंदर भी यही डिसाइड किया गया, यूनियन बजट 2018-19 जो 1 फरवरी को अरुण जेटली जी ने पेश किया था, उसके अंदर भी इसी चीज को डिसाइड किया गया कि 5 करोड़ का जो टारगेट था एलपीजी कनेक्शन देने का, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8 करोड़। तो 5 करोड़ का टारगेट था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर, नाउ हैज बीन इंक्रीज टू 8 करोड़ पर फैमिली। तो हर फैमिली की एक औरत को, एक लेडी को, एक वुमेन को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य। तो आप देखिए इस चीज को, द एलपीजी पंचायत एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एलपीजी कंज्यूमर्स to interact with each other, promote mutual learning and share experiences. तो देखिए, हम जो घरों के अंदर traditional method को अपनाते हैं, चाहे वो charcoal है, कोयला है, लकड़ी है, और मतलब लकड़ी का जो चूल्हा है उसके ऊपर खाना पकाने से, मतलब मैंने एक खबर के अनुसार पढ़ा था कि जो वो चूल्हे का धुआं होता है ना, और जो हमारी घर की ladies जो चूल्हे, जो मिट्टी का चूल्हा होता है और जो धुआं निकलता है उससे, equal to 20 cigarettes के बराबर होता है। मतलब वो जो धुआं, जो वो पूरा दिन घर के काम काज करते हुए चूल्हे के आगे जो बैठी रहती है और इतना धुआं जो कंज्यूम करती हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने न्यूज़पेपर में काफी साल पहले पढ़ा था, वो ये इज इक्वल टू 20 सिगरेट्स के बराबर। तो सोच सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है और ये कितनी बीमारियों को जन्म देता है। तो यहां पर हमारे इस गवर्नमेंट ने एक टारगेट लिया, एक संकल्प लिया कि वो ज्यादा से ज्यादा एलपीजी जो है उसे घर तक पहुंचाएंगे, बीपीएल फैमिलीज की वुमेन को एलपीजी कनेक्शन देंगे। उसी मुहिम के तहत उन्होंने एलपीजी सब्सिडी छोड़ने को भी कहा था कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस सब्सिडी को छोड़े पहल स्कीम के अंदर, और वहां पर सब्सिडी छोड़ने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसी अमाउंट से वो एलपीजी कनेक्शंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा घरों में दे सकेंगे। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए एक पंचायत बुलाई गई राष्ट्रपति भवन के अंदर, जहां पर इनसे जुड़े हुए सभी मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हुई और आगे क्या रिफॉर्म, क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई। तो देखते हैं इस खबर को, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि एलपीजी पंचायत सर्व्स एज इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बिटवीन दोज हु रिसीव्ड एलपीजी सिलेंडर्स अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वन पंचायत हैज अराउंड 100 एलपीजी कस्टमर्स ऑफ नियर बाय एरियाज। तो एक पंचायत अगर है तो उसके पास 100 एलपीजी कस्टमर्स जरूर होंगे। द पंचायत डिस्कस इश्यूज सच एज सेफ प्रैक्टिसेस। तो एलपीजी जो है, अगर सिलेंडर फटने का डर और अगर आप उसका अनसेफ प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, तो उसको किस तरह से शेयर किया जाए एक्सपीरियंस और किस तरह से उनको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो वो बताना जरूरी समझा और इस पंचायत के अंदर उसके ऊपर बात की गई है। एलपीजी पंचायत एम्स एट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग एलपीजी यूजर्स अबाउट हाउ टू प्रॉपरली यूज क्लीन फ्यूल एंड इट्स यूजफुल बेनिफिट्स। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू ट्रिगर discussion through sharing of personal experiences on benefits of use of clean fuel compared to traditional fuels like cow dung, chahe wo gobar ka uple ho,
उसके ऊपर खाना बनाते हो या चारकोल हो या वुड या लकड़ी हो उसके ऊपर खाना बनाते हो तो उससे किस तरह से बेहतर है ये एलपीजी, उसके ऊपर बातचीत की गई कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो प्रमोट करें एलपीजी के यूजेस को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये खबर जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट खबर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं पहले हमारे बिल्कुल जो है स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं और सभी के आंसर्स जो हैं वो सही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ही इज द करंट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। देखिए पंचायत टर्म क्यों यूज की गई है, क्योंकि देखिए एलपीजी जो है वो बीपीएल फैमिलीज को दिया जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज को दिया जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे। मतलब अगर हम बात करें आज भी हमारे भारत का जो पॉपुलेशन है मोर देन 60% पॉपुलेशन ग्रामीण एरिया में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है। और रूरल एरिया के अंदर उन्होंने कंसिडर किया कि एक पंचायत अगर होगी तो उस पंचायत के पास कम से कम 100 कस्टमर्स होंगे एलपीजी के, जो इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर बेनिफिशियरीज हैं। तो उनको बुलाया गया वहां पर और उनसे एक्सपीरियंस शेयर किए गए, तभी इसका नाम एलपीजी पंचायत रखा गया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बीपीएल फैमिलीज जो हैं वो ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करती हैं और आज भी चारकोल, कोल, वुड, इन सभी काउडंग, इन सभी का इस्तेमाल गांव के अंदर ही होता है। तो इस वजह से इसका नाम एलपीजी पंचायत रखा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। मैं व्यूअर्स के व्यूज पढ़ रहा हूँ कि उनका क्या कहना है और जो मैंने पूछा कि रासलीला, स्वांग, ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ की हैं। बिल्कुल आप सभी का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट सही है। देखिए केवीएस एलडीसी के एग्जाम्स के अंदर भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप हमारे मेक माई एग्जाम के साइट के ऊपर जाकर जो प्रीवियस शोज हैं उसको आप देख सकते हैं, उनके लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे कैप्सूल डिस्कशंस और मंथली करंट अफेयर्स को भी आप जाकर जरूर पढ़ सकते हैं। तो मतलब व्यूअर्स के व्यूज पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो है मैं जा रहा हूं। तो एनटीपीसी सप्लाई 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को, देखिए ये बहुत बड़ा न्यूज है, इंटर कंट्री न्यूज अगर हम बात करें तो वो हो सकता है यहां पर। तो इंडिया बांग्लादेश, तो इंडिया की कंपनी एनटीपीसी, तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी। आपको फटाफट बताना है कि एनटीपीसी के एमडी और चेयरमैन कौन है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है और इसके चेयरमैन एमडी कौन है ये बताइए। और न्यूज तो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है कि एनटीपीसी टू सप्लाई 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। तो बहुत रीसेंट न्यूज है ये, February 14, 2018, इंडियाज बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर एनटीपीसी लिमिटेड हैज वॉन टेंडर टू सप्लाई 300 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर स्टार्व्ड बांग्लादेश फॉर 15 ईयर। तो 15 सालों के लिए एक टेंडर को जीता, एक बिड हुआ, एक वहां पे बोली लगाई गई, उस बोली और उस टेंडर के अंदर, उस टेंडर के अंदर एनटीपीसी ने उस चीज को जीतने के बाद 300 मेगावाट जो बिजली है वो मुहैया करवाएगा किसको, तो बांग्लादेश को मुहैया करवाएगा। कितने सालों के लिए? तो 15 सालों के लिए। द टेंडर वॉज फ्लोटेड बाय बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड फॉर सप्लाई ऑफ 500 मेगावाट पावर फ्रॉम इंडिया फॉर शॉर्ट टर्म 2018-19 एंड लॉन्ग टर्म 2020-33 तक। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए जैसे 2018-19 और लॉन्ग टर्म के लिए उसे चाहिए 2020 मतलब 2022-2033 मतलब 2033 तक उसको ये बिजली चाहिए। कितनी? 500 मेगावाट। और एनटीपीसी कितनी सप्लाई करेगा? 300 मेगावाट। और एनटीपीसी जब ये सप्लाई करेगा तो उसे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? 900 करोड़ का रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट होगा। तो ये जो एक डील है वो बहुत इंपॉर्टेंट डील है। तो किस कंपनी ने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले पेपर के अंदर कि इंडिया के किस कंपनी ने एक डील किया है बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करवाने के लिए 300 मेगावाट, तो वो एनटीपीसी है। हम इसी खबर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे इसी खबर को थोड़ा विस्तार से। द सप्लाई ऑफ 300 मेगावाट टू बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ India's strategy of playing a key role in creating a new energy security architecture for its neighbors. तो पड़ोसियों को मदद करके इंडिया एक डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल लेवल पे बहुत मजबूत बनना चाहता है, जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को वो मदद करके एक मजबूत स्थिति बनाना चाहता है अपने इस पड़ोसी मुल्कों के अंदर। और इट विल हेल्प, उसके अलावा इट विल हेल्प एनटीपीसी अर्न रुपीज 900 करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। और वार्षिक उनको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा यहां से? तो 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं और एनटीपीसी के चेयरमैन का नाम बिल्कुल सही। तो व्यूअर्स बहुत स्मार्ट है, मैं हमेशा बोलता रहा हूं, मोहम्मद अरबी, गुरदीप सिंह बिल्कुल सही, पूर्णिमा चौधरी न्यू दिल्ली बताया, सुरेश कुमार साहू
सरिता भगत, जॉनी त्यागी, अश्वनी आनंद, सुरेश कुमार साहू, पूर्णिमा, सभी के आंसर्स हरकिरण, मोहम्मद, मानस, जयप्रकाश, विनोद, आज मैंने कईयों के नाम नहीं लिए तो ले लेता हूं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो कोई बात नहीं। राज शेरावत, विनोद, विनोद, रोशन शाह, तो जो नए नए हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज ऐसे जुड़ते रहिए, आपको डेली न्यूज का डोज जो है वो करंट अफेयर्स द वेकअप शो के माध्यम से, मेक माय एग्जाम के माध्यम से हर रोज मिलता रहेगा, सिर्फ संडे को छोड़कर एक छुट्टी हमें भी चाहिए है, और उसके बाद बिल्कुल, तो सभी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। तो एमडी एंड चेयरमैन ऑफ एनटीपीसी कौन है? गुरदीप सिंह एमडी और चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो नेक्स्ट न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद एक और आखिरी छोटी सी खबर है, उसके बाद हम क्विज की तरफ चलेंगे, आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा इच क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप प्लीज उसको अटेंड करिए। इंडिया चाइना मतलब इंडियन चाइनीज आर्मी पीपल लिबरल आर्मी जो है PLA बोलते हैं, तो देखिए इंडियन चाइनीज आर्मीज सेलिब्रेट चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल इन लद्दाख। तो चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल अभी रिसेंटली मनाया गया कहां पर? चुशूल सेक्टर लद्दाख के अंदर इंडियन और चाइनीज आर्मीज ने एक स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया, मतलब जहां पर वो मिले बैठे और कोऑपरेशन सहयोग की बात करी अलोंग विद दिस स्प्रिंग फेस्टिवल। तो ऑन 13 फरवरी 2018 ऑन द ओकेजन ऑफ चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज हेल्ड अ बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग। बॉर्डर पर्सोनल मतलब कर्मचारी, मतलब बॉर्डर के जितने भी कर्मचारी है, मतलब जितने भी सैनिक हैं, उन दोनों के बीच में एक बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग हुई, BPM हुआ इन चुशूल सेक्टर ऑफ लद्दाख रीजन। तो पूछा जा सकता है कि इंडियन चाइनीज आर्मीज ने कहां पर अपना स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया? तो लद्दाख में किया। लद्दाख के किस सेक्टर में किया? तो चुशूल सेक्टर ऑफ लद्दाख रीजन के अंदर इंडियन और चाइनीज आर्मी ने अपना स्प्रिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। तो नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं, या इसी खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे, और जब आसान से न्यूज है, बहुत कैची पॉइंट्स है, इजी न्यूज है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए तो बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग क्या है? द बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग वॉज हेल्ड एट चाइनीज BPM हट इन मोल्डो गैरिसन ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो चाइना की आर्मी को हम PLA बोलते हैं, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज्यादा कर्मचारी ज्यादा सैनिक के नाते दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन चुशूल सेक्टर ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय कर्नल दीपेंद्र जसरोटिया, और हमारी इंडियन साइड को किन्होंने रिप्रेजेंट किया? कर्नल दीपेंद्र जसरोटिया। एंड चाइनीज डेलीगेशन वॉज लेड बाय सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल बू होंगडोंग, तो बू होंगडोंग ने इसको वहां से रिप्रेजेंट किया। बोथ द डेलीगेशन लीडर्स एक्सचेंज विशेज एंड आफ्टर अ वोट ऑफ थैंक्स कल्चरल प्रोग्राम्स वहां पर हुए, वर कंडक्टेड द कल्चरल प्रोग्राम्स एग्जिबिटेड चाइनीज कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल था, तो चाइनीज कल्चर को वहां पर एग्जिबिट किया गया, और कोऑपरेशन सहयोग कोऑर्डिनेशन की बात की गई इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर। तो ये बातें हुई कहां पर? लद्दाख रीजन के चुशूल सेक्टर के अंदर इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी ने चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। हम नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एक अपॉइंटमेंट छुपा हुआ है, एक नियुक्ति हुई है, ब्राजील के अंबेसडर बनाए गए इंडिया की तरफ से। तो अशोक दास जो एक एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, IFS ऑफिसर मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रहे हैं अशोक दास, अपॉइंटेड एज अंबेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राजील। तो भारत की तरफ से ब्राजील के वो अंबेसडर नियुक्त किए गए हैं। ऑन 13 फरवरी 2018 अशोक दास वॉज नेम्ड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। अशोक दास एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो अशोक दास कौन है? इंडियन फॉरेन सर्विस से के वो ऑफिसर है ऑफ 1987 बैच, बहुत पुराने, और करंटली ही इज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आपको जल्दी जल्दी बताना है ब्राजील की कैपिटल, ब्राजील की करेंसी, और ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम, और आपको यह भी बताना है कि ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, मतलब ब्राजील के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, लास्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, जहां पर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है कि ब्राजील की भाषा बताइए। तो कई बच्चे इसका आंसर ब्राजीलियन दे देते हैं ऑप्शन में अगर देखते हैं, लेकिन ब्राजील की लैंग्वेज क्या है, ब्राजील की कैपिटल, ब्राजील की करेंसी, और ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, और मैं क्विज की तरफ आपको ले चलूंगा, और क्विज के सेशन को हम अटेंड करेंगे, और मैं व्यूअर्स के तब तक व्यूज भी देख लूं कि वो क्या कह रहे हैं।
जरूर पूर्णिमा उपाध्याय जी, आपको हम कंट्रीज कैपिटल जो है ना, आप ऐसे डेली जुड़े रहिए, आपको मैं क्रैम तो नहीं बोलूंगा लेकिन आपको मजेदार तरीके से जो है वो जरूर सिखा दूंगा कंट्री कैपिटल करेंसी, जो बहुत ही आसान है। मिथिलेश पिंकी जी कोई बात नहीं, आप लेट हो गई हैं तो आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। देखिए तो आगे यहां पे आंसर जो है आंसर आना शुरू हो गया, तो ब्राजील की कैपिटल इज ब्राजीलिया, ठीक है, देन ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, बिल्कुल सही। तो देखिए कुछ कैपिटल जो है वो बिल्कुल सिमिलर होती है कंट्रीज के लिए, तो पहले उन कैपिटल्स को करें, उनके बाद कुछ कैपिटल्स जो है वो थोड़े फनी तरीके से याद किए जा सकते हैं, आप उसको करिए, फिर कुछ कैपिटल्स जो है जहां पर हमारे पीएम प्रेसिडेंट और जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं अगर वो उस कंट्री के दौरे पे जा रहे हो तो उनकी कैपिटल करना जरूरी है। जैसे आज मैं कल और परसों जो भी न्यूज बनेगा तो ईरान के प्रेसिडेंट आज भारत के दौरे पे आएंगे, हैदराबाद पहुंचेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे वो, तो आप देखिए ईरान के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी का नाम जरूरी है, ईरान की कैपिटल, ईरान की करेंसी जरूरी है। तो दिस इज द वे जहां पर आप अप्रोच कर सकते हो कि हमारे इंडियन पीएम प्रेसिडेंट या कोई भी ऑफिशियल किसी विदेश जाते हैं, किसी कंट्री जाते हैं, उनकी कैपिटल करेंसी जरूरी है, और वाइस वर्सा जो भी पीएम प्रेसिडेंट हमारी कंट्री को आते हैं उनकी कैपिटल करेंसी भी बहुत जरूरी है। तो ब्राजील की कैपिटल जो है वो है बिल्कुल ब्राजीलिया, और उसकी करेंसी है रियल, आर ई ए एल, रियल इज द करेंसी, और उनकी लैंग्वेज है पोर्तुगीज। तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा कि दिलमा रोसेफ बहुत पुराने हो चुके हैं, हर किरण जिसको सही कर लीजिए, माइकल टिमर जो है इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, तो माइकल टिमर इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी रियल, और ब्राजील के प्रेसिडेंट माइकल टिमर, टी आई एम ई आर टिमर, एंड उसके बाद ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या ब्राजील की, तो पोर्तुगीज, मतलब पुर्तगालियों ने ब्राजील के ऊपर राज किया था, वहां पे कॉलोनी बनाई थी, तो ब्राजील की जो लैंग्वेज है वो है पोर्तुगीज। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक जरूर समझ में आओगा। फटाफट चलते हैं क्विज की तरफ और जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको अटेंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्विज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हु इज द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन का नाम बताइए। आपको जो है आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और 30 सेकंड का टाइम भी हमने इसमें जोड़ दिया है, तो आप जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए, और जब 10-15 क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे तो मैं राइट क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। तो बिल्कुल ईरान के प्रेसिडेंट आज ही आए हैं, पहले आ तो लेने दीजिए, फिर कल के न्यूज में कराएंगे आपको, या जो भी अग्रीमेंट्स होंगे बिटवीन इंडिया एंड ईरान वो जरूर बताएंगे आपको। जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर आने शुरू हो गए। राज शेरावत ए, हरजोत से ए, उमेश जांगीर ए, बिल्कुल अमरजीत आप बिल्कुल सही हैं, और सुरभित, कौमिला, अश्वनी आनंद, ज्योति, जॉनी, टेकरॉक, अतुल, संदीप, नायरा, पूर्णिमा, कार्तिक, मानस, मनीष, साक्षी, आकाश, हरजोत, तो सभी जो आंसर्स हैं वो ए दे रहे हैं, और 10-15 आंसर से ज्यादा आ चुके हैं, 10-15 आंसर्स आ चुके हैं मुझे, टाइम भी आपका खत्म हो चुका है, तो मैं आंसर की तरफ चलूंगा। और देखिए फर्स्ट का आंसर इज डॉक्टर विवेक देव रॉय, तो जिन्होंने भी आंसर ए दिया 100%, मतलब सभी स्टूडेंट्स ने ए दिया आंसर, और डॉक्टर विवेक देव रॉय इज द राइट आंसर, जो नीति आयोग के मेंबर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो फर्स्ट का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर आपने जल्दी से देना है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ मोदी केयर, तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम से निकलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ मोदी केयर, मोदी केयर उन्होंने एब्रीवेटेड फॉर्म रखा है किसका, तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम से निकलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पिछला क्वेश्चन बीत चुका है, जबीना दार, सुनील सिद्धू, साकेत, आप सभी सही हैं, लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी दे दीजिए। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट ऑफ मोदी केयर, तो मोदी केयर से निकलने वाला और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आप कह सकते हो उसे निकलने वाला, या आयुष्मान भारत स्कीम
से निकलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? समय आपका समाप्त होता है और मैं आंसर्स देखता हूं कि कितने बिल्कुल तो सभी का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल हिट्रो फ्रेशर जी आपको भी प्रणाम। सैकेत परमनिक वेस्ट बंगाल। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी का आंसर सी आ रहा है और राइट आंसर इज एब्सोल्युटली सी। तो सेकंड का आंसर इज सी, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ममता दीदी ने फैसला किया कि उनके पास ऑलरेडी एक स्कीम है स्वास्थ्य साथी स्कीम, वो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगी एंड वो जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के साथ नहीं जाएंगी। तो सेकंड का आंसर इज सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। तो यहां पर प्रिंटिंग एरर है, मेघालय मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मेघालय जो है जी आप लगा दीजिए यहां पे। मेघालय के करंट चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, ए मुकुल संगमा, बी गंगा प्रसाद या सी ओमान चांडी। तो आपने राइट आंसर देना है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिएगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। और हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, मुकुल संगमा, गंगा प्रसाद या ओमान चांडी। आपने आप इसका सही आंसर देना है। तो ऑलमोस्ट जो है आंसर्स आ रहे हैं। तो राइट आंसर जो है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे नाइस और राइट आंसर की तरफ चलेंगे कि राइट आंसर क्या है हमारे लिए। तो राइट आंसर बिल्कुल सही, तो सभी बच्चे सही बोल रहे हैं, मुकुल संगमा इज द राइट आंसर। मुकुल संगमा थर्ड का ए आंसर इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम मुकुल संगमा, गंगा प्रसाद वहां के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ थिएटर ओलंपिक्स, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। थिएटर ओलंपिक्स जो पहली बार उसका आठवां एडिशन हमारे न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट इनॉग्रेट होगा, समापन उसका मुंबई में होगा, तो थिएटर ओलंपिक्स का थीम क्या रखा गया है, इसका आंसर दीजिए। फ्लैग ऑफ कॉम्पिटिशन, फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप या फ्लैग ऑफ पावर। तो 22 सेकंड रह गए हैं और जल्दी से समय बीत रहा है और आप जो है इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। फोर्थ का आंसर इज व्हाट इज द थीम ऑफ थिएटर ओलंपिक्स, थिएटर ओलंपिक्स का थीम क्या है, फ्लैग ऑफ कॉम्पिटिशन, फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप, फ्लैग ऑफ पावर, जल्दी बताइए इसका आंसर। आंसर आना शुरू भी हो गया, बी 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 बी, सभी बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। और देखिए मतलब कमेंट्स इतने ज्यादा आ जाते हैं तो हम जो है उसका राइट आंसर जो है वो अभी मैं गायब हो चुका हूंगा स्क्रीन से, लेकिन कोई बात नहीं, द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली बी। तो राइट आंसर इज बी और बी का राइट आंसर क्या है, फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप। तो फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर। तो थिएटर ओलंपिक्स का थीम क्या रखा है जो अब आपके सामने आ चुका होगा स्क्रीन के ऊपर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप इज द थीम ऑफ थिएटर ओलंपिक्स जो हमारे इंडिया में होने जा रहा है, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट होगा, मुंबई में उसका समापन होगा। तो करते हैं, नहीं जी अरविंद सोलंकी जी ठीक कर लीजिए, आपके लिए फ्लैग ऑफ फ्रेंडशिप मैंने ग्रीन कर दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। विच कंट्री विल बी बेनिफिटेड विद 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अंडर दी टेंडर वॉन बाय एनटीपीसी। तो किस कंट्री के साथ एनटीपीसी ने रिसेंटली 300 मेगावाट बिजली देने का एक समझौता किया है और वो उसको बिजली प्रदान करेगा, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए रिवीजन क्लास है, इसका मेन पर्पस, इस क्विज का मेन पर्पस ये है, इजी मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल ना देखना करके हम आज के सेशन को किस तरह से तुरंत रिवाइज कर लें उसकी तरफ मेरा मेन फोकस रहता है कि आप सभी न्यूज की रिवीजन कर लें। तो इस वजह से आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इसको टेक इट लाइटली लो। विच कंट्री विल बी बेनिफिटेड विद 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अंडर दी टेंडर वॉन बाय एनटीपीसी, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो सभी का आंसर जो है ऑलमोस्ट सही आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और फिफ्थ का आंसर इज बांग्लादेश और राइट आंसर इज सी। तो फाइव का आंसर इज सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे और देखेंगे इसका राइट आंसर जो आपके लिए ग्रीन कर चुका हूं मैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, मतलब जो व्यूअर्स अभी जुड़े हमारे साथ और जो क्विज के लिए जुड़ते हैं वो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो फटाफट चलते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एंबेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राजील। तो इंडिया की तरफ से ब्राजील के एंबेसडर कौन बनाए गए हैं, आप इसका नाम जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चले हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राजील। तो ब्राजील के अम्बेसडर इंडिया की तरफ से कौन बनाए गए हैं, ए बी और सी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अशोक दास, ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित या प्राण नाथ थापर।
तो पूर्णिमा उपाध्याय का नाम जो है बहुत पहले आया है। ए आंसर दिया उन्होंने कौमिला, उमेश, सुरेश कुमार, जुगराज, राज, मानस। तो देखिए आप कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए हैं, तो सभी का नाम लेने में थोड़ा असमर्थ हो जाता हूं, तो उसके लिए बिल्कुल तहे दिल से माफी। लेकिन मुझे पता है कि मेरी फैमिली है और हर रोज वह मेरे साथ जुड़ती है, तो बिल्कुल राइट आंसर इज सिक्स का ए, जो सभी ऑडियंस दे रही है, सभी व्यूअर्स दे रहे हैं। अशोक दास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एम्बेसडर टू ब्राजील फ्रॉम इंडिया। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज के हमारे कुछ सेशन का, और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको जरूर अच्छा लगा हो। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जो आज हमारे साथ न्यू जुड़े हैं तो उनको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा कि हमारे कौन कौन से शोज जो हैं वो टाइमली आ रहे हैं। तो आज के अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स में आपके लिए बोल दूं, मतलब 8 बजे करंट अफेयर्स द वेकअप शो के साथ आपकी शुरुआत हुई है, और आगे आने वाले शोज क्या है मेक माई एग्जाम के ऊपर, तो आपको स्टे ट्यून रहना है मेक माई एग्जाम के साथ। तो बैटल ऑफ रीजनिंग 9:30 AM, कंप्यूटर अवेयरनेस KVS LDC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस, 11:30 जो हमारे दिनेश लोहिया सर जो कंप्यूटर के बिल्कुल मास्टर हैं वो लेकर आएंगे, मैथ्स मंत्रा संजय सर लेकर आएंगे 2 PM, 2 बजे देखना ना भूलिए, जीके गुरुकुल 3:30 PM आएगा, वो कैब डोज 5 PM, CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेक्चर लगेगा 7:30 PM, और मिशन SBI शाम के 8:30 PM। तो सुबह से लेकर शाम तक हम आपके लिए जुड़े रहते हैं, मेक माई एग्जाम आपके लिए जुड़ा रहता है कि आपका एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्लियर हो। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूं, कल मिलेंगे सुबह 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।